गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स. ओके, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक सॉल्व किया था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फाइंड द वैल्यू. क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाई 12/25. यहाँ पे आपको डिवीजन करना है. अब हम डिवीजन कैसे करते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अब आप ये देखेंगे. ओके ओके, सो लुक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है. डिवीजन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. लास्ट ईयर जब आप फिफ्थ क्लास में थे तब भी आपने इसको अच्छे से देखा होगा. तो पहले मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगी. तो 8 इंटू, जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी, ये क्या हो जाएगा, नंबर का रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल यानी आप न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, ऐसे हो गया. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. दोनों नंबर 4 से कट होंगे, कट कर दीजिए. 4 2 8 एंड 4 3 12 एंड देन मल्टीप्लाई 25 to 50. 50/3 ऑब्वियसली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगेन आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड कीजिए, आंसर लीजिए. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही लेते हैं. क्वेश्चन है 14/5 15/7. ओके, तो 14/15 आप इसको भी, इसका भी रेसिप्रोकल कीजिए. 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7. ओके, देन 7 1 7 7 2 1 2 1/15. नंबर प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं. आपको इसे डिवाइड नहीं करना है. दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है. पहले तो आप इसे होल नंबर को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 4 3 12 12 13 13/4 1/8. अब आप सेकेंड स्टेप क्या है, आप 1/8 को रेसिप्रोकल लेंगे, उसे मल्टीप्लीकेशन में से कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो मैंने कर दिया 8/1. अब आप इसे इजीली डिवाइड कीजिए. 4 1 4 4 2 13 2 2 6. नीचे 1 1 1 हमें नहीं लिखना. तो आपका आंसर क्या होगा, 26. स्टूडेंट आई थिंक सारे क्वेश्चन सेम है, तो ये मैं 91st क्वेश्चन पे आ रही हूँ. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रीवियस क्वेश्चन से तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए. ओके, तो मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ गई. हमारे पास यहाँ पर है, देखिए 2/3 9/16 4/3 12. हम देख सकते हैं कौन सा नंबर कितना कट हो सकता है. सबसे पहले तो 4 1 4 4 4 16 कट. यहाँ पे 3 1 3 3 3 9 कट. एंड अगेन 3 1 3 3 9 27 कट. अब जो नंबर बचे हैं हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ हमारे पास बचा है 2/1 3/4 1/9. अब ये कट हमने, अच्छा 3 1 3 3 3 9, ये भी हमारा कट हो गया ना, तो यहाँ भी 1 बचा है. ओके, तो अब हमने अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई. 2 1 2 ओनली एंड यहाँ पे 9 4 36. इट्स योर आंसर. ओके, अच्छा अभी भी नहीं, हम इसे और कट कर सकते हैं ना. तो रुकिए, ये करते हैं 2 1 2 एंड 2 1 2 2 8 6. 1/18 इज योर आंसर. ओके ओके स्टूडेंट्स, मैंने 9th के 4th क्वेश्चन को अब लिया है क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा टफ है. देखिए सबसे पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे. 9 2 18 18 1 19. तो ये हमारा नंबर हो गया 19/9 5/38 5 2 10 10 1 11/5. ओके, अब हमने क्या करना है, डिवाइड. तो सबसे पहले तो 19 1 19 19 2 38 कट, 5 2 5 कट. ओके, तो ऊपर क्या बचा आपके पास में, ओनली 11/9 9 2 9 2 18. दिस वाज योर आंसर. ओके, सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 9 देर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं बहुत ही जल्द आपको ये सॉल्व करके दे दूंगी. इसके अलावा भी आपको मैथ्स में किसी भी टॉपिक पे, कोई स्पेशल टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. हम उस पर बहुत ही जल्द नया वीडियो बनाएंगे. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए. नॉट ओनली वी आर गोइंग टू मेक वीडियोज़ ऑन मैथमेटिक्स, हमारे बहुत सारे वीडियोज़ इंग्लिश पर भी है, फिजिक्स पर भी. ओके, तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. गुड बाय.